अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करना सारे खरा ठीक ठाक हो। सो तुसां दे उत्थे पए बलोच पोल्ट्री बखर, मेरे नाल मेरियां मुर्गियां थोक नजर आंदियां पईआं। उस समय रोजाना डेली बाहर इन शाम दे टाइम को बाहर कढ़दे आं। सब तो पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मेरी छोटी जी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर गिनो, तो नाल बैल आइकन के बटन को भी दबा गिनो, क्यों जो मेरी हर आने वाली वीडियो ग्रामां तक पहुँचती रहे। असा सराइकी दे विच वीडियो तां बनांदे आं कि ग्रामां को आसानी नाल समझ आ वञे। कुछ भरा हन जिहड़े उर्दू भी नहीं समझ सकदे ते इंग्लिश भी नहीं समझ सकदे, ते इंग्लिश खैर साकू आंदी काई नहीं, उर्दू अजे आती है माड़ी मोटी, उर्दू बोल गिंदे हैं तो इंग्लिश आपको भी कौन आती। अज मुर्गियां मेरिया खड़िया नाल मैं वदा, काफी फार्मर फिरा नवा कुत पत्ता है, पुराना जे अपना पुराना कुत पत्ता है, तो नवा को कोई नहीं गाल दा कि अगर नवी मुर्गी बन गिंदन चा काफी फिरा तो आके मुर्गी फार्म में छोड़ दिती या घर रखी पे उन्हें मुर्गियां थोड़ियां है को नाल रला दी आके। ये गलती कदाई नहीं करनी कि नवी मुर्गी घिन के दे फार्म में या फार्म दे विच नहीं छोड़नी, चाहे एक गिनो या चार होवन या पांच होवन या इतनिया भी होवन, चाहे फार्म में होवन मुर्गियां या होवन घर दे विच, तां कदाई बाहर मुर्गी घिन दे वे मुल तो वह फार्म में डायरेक्ट नहीं छोड़नी। उस वास्ते पहले तुसा उसको चार तो पांच दिन तकरीबन एक हफ्ता अलहदा रखो, अलहदा रखो मुर्गियां थू को सात दिन कम अज कम वो मुर्गियां थू अलहदा होवे, उको थाई दाना पानी दे थाई उसको खवाओ। ता जिवें ही तुसा नवी मुर्गी घिंदा सो ना, तो सब तो पहले उको चीनी वाला पानी पिलाओ। चीनी वाला पानी पिलावण तो बाद वत उसको तुसा सात दिन लहदा खवाओ पिलाओ, उको पानी फीड उन्दे सारा कुछ जो भी खमेंदे मुर्गियां को वो चीज उसको नाल खवाओ। दिहाड़ू बाद उसको एंडी दी वैक्सीन कर दो, एंडी लसोटा। एंडी लसोटा भी काफी घरावां को नहीं समझ आती पई हुंदी, एंडी लसोटा जिन्हां को नहीं समझ आती तो उन्हां वक्त ते रानी खेत, रानी खेत दी वैक्सीन, जिन्हां को रानी खेत वैक्सीन दी नहीं, खेत वैक्सीन दी समझ नहीं आती पई तो उन्हां की ते सावड़ी, आम सारी सरकारी जबान है सावड़ी, तो सावड़ी दी वैक्सीन करके उस तो बाद उसको दिहाड़ दी बाद तुसा उसको अपनी मुर्गियां दे विच शिफ्ट कर सकते हो आराम नाल, बात कोई खतरा कोई नहीं हुंदा। सारा पहले उसको नवी मुर्गी घिन के आओ तो उसको हफ्ता खाने वखरा रखना है, अलहदा रखना है, उसके परछारी भी चेक करने के जाओ कुजुआ वगैरह या चिचड़ वगैरह या ये चीज़ा पकाई नहीं, अगर ये चीज़ा न हो तो उस तो बाद तुसा सात दिन बाद उसको अपनी मुर्गियां नाल कट्ठा खड़ा सकते, भावें फार्म में खड़ा हो तो भावें घर वाली मुर्गियां खड़ा हो। अक्सर असा फार्मर जड़े आए तो अस ये चीज उतु सारा ज्यादा नुकसान थन्द कि अस जी बारहों नवी मुर्गी घिनसू ना वो आग डायरेक्ट ही अस फार्म के उसको भी नाल कट्ठा कर घिनसू, कदा ही भी ये काम नहीं करना, कदा ही भी फार्म के नवी मुर्गी को नहीं रखना। नवी मुर्गी वास्ते पहले उसको अलहदा रखो हफ्ता, चीनी वाला पानी पिलाओ, उन्दे पर शर चेक करो कि क्या कुछ जुआ वगैरह या चिचड़ वगैरह तो नहीं। उस तो बाद तुसा सात दिन बाद उको सावड़ी वाली वैक्सीन एंडी लसोटा करके उस तो बाद तुसा उसको फार्म दे छोड़ सकते वे। तो आज का सारा टॉपिक आई कि नवी मुर्गी को क्या फार्म में आना चाहिए डायरेक्ट या नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरी अगर वीडियो पसंद आवे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नाल बेल आइकन के बटन को भी दबा छोड़े सो जो मेरे नवी वीडियो धिरावां तक पहुँचती रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद आवे तो शेयर भी कर छोड़े सो जो बाकी दोस्तों तक भी इन्हें मुर्गियां रखिया हुई उन्हें तक भी साड़ी मुलमार जी होंगी पहुँच सके। तो आज की वीडियो ताई खत्म करींदे आं, इंशाल्लाह नवे टॉपिक नाल वत नवे कई फार्मूले नाल अपने भरावां तक वीडियो बई जन के हाजिर थीसूं। ये हुण मेरी मुर्गियां थोड़ियां बाहर खड़ियां थोड़ियां अंदर खड़ियां, त
ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।